आज मैं चकली बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी चावल ले ली हूँ, जितना चावल ली हूँ उतना ही मैं चना दाल ले ली हूँ, और उसकी आधा मैं ये उड़द की दाल और मूंग दाल। तो चावल आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं, ये नहीं कि बासमती चावल ही लेना है हमें, तो ये खीर या खिचड़ी वाला चावल आप ले सकते हैं इसके लिए। गैस पे मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ, अब इसमें हम चावल दे देंगे। तो चावल साफ करके ले लेना है, चावल दाल सब कुछ पहले हम साफ कर लेंगे। तो मैं साफ करके ले ली थी, तो अब धीमी आंच पे हम चावल को भून लेंगे। हल्का ही हमें इसको भूनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना इसको भून करके लेना है चावल को। देखिए चावल मैं भून ली हूँ, इसमें से खुशबू अच्छी आने लगी है। तो इतना हमें भूनना है, इसको ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो ये चावल निकाल ली हूँ, अब इसमें चना दाल डाल देंगे, इसे भी हम भून लेंगे। चना दाल भी अच्छे से सिक चुकी है, इसमें से भी खुशबू आने लगी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी चावल के ऊपर हम चना दाल भी निकाल लेंगे कि एक साथ ही हमें पीसना है, इसको मिलाना है, इसलिए इसी में हम निकालते जाएंगे। दाल डाल के भून लेंगे, इसे भी हमें हल्का ही सेकना है। मूंग दाल भी सिक चुकी है अच्छे से, देखिए तो इतना ही हमें सेकना है इसे भी, इसे भी हम निकाल लेंगे इसी में। उड़द दाल डाल देंगे, उड़द दाल भी हम भून लेंगे अच्छे से, उड़द दाल भी सिक चुकी है, तो अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। अब इसमें 1.5 चम्मच हम साबुत धनिया डाल देंगे और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। इन दोनों को भी हम थोड़ी सी भून लेंगे। देखिए जीरा और धनिया भून चुकी है, अब इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, काला नहीं करना है इसको। अब इसे भी हम इसमें हम जीरा और धनिया भी मिला देंगे। ठंडा होने देना है इन सब चीज़ों को। ठंडा हो चुकी है दाल चावल, अब हम मिक्सी जार में थोड़ा थोड़ा डाल के पीस लेंगे। 2-3 बार में आप लोगों के पास जितना हो उस हिसाब से इसको पाउडर बना लेना है, पीस लेना है। ये देखिए मैं पीस ली हूँ इसको, बिल्कुल ये पाउडर जैसा बन के तैयार हो गई है। तो ऐसे हमें पीस लेना है। अब एक प्लेट हम ले लेंगे, इसमें छलनी डाल के, और छलनी में हम डाल करके छान लेंगे कि चना दाल भी थे तो मोटा सा टुकड़ा ना रह जाए, तो इसलिए हम इसको छान करके ले लेंगे। देखिए बस इतना ही मोटा रह गया, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब बचे हुए भी चावल दाल इसमें डाल करके पीस लूंगी मैं। देखिए सारी मैं पीस ली हूँ। कढ़ाई ले ली हूँ, जिस कटोरी से हम चावल या दाल ली थी उसी कटोरी से हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे। पानी गर्म होने देंगे, ये गुनगुना हो चुकी है। अब इसमें 1.5 चम्मच हम नमक डाल देंगे, तो स्वाद अनुसार नमक डालना है, और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच मिर्च पाउडर डाल देना है, तीखा आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा, और 2 चम्मच भर के तिल डाल देना है, सफ़ेद वाली तिल। 1 बड़े चम्मच हम तेल डाल देंगे। पानी में 1 उबाल आने देंगे, इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे एक बार। देखिए उबाल आ चुकी है इसमें, अब इसमें हम आटा डाल देंगे।
अब हम आटा को इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। गैस हम बंद कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है पानी में आटा को। अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, अब इसे हम ढक्कन से 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो चुकी है, अब इसे हम एक परात में या बड़ा सा थाली में निकाल लेंगे। इसमें सारी आटा हम निकाल लेंगे, इसको हम ठंडा होने देंगे। अभी बहुत गर्म है, इसे हम ठंडा कर लेंगे। आटा ठंडी हो गई है, हल्का सा गुनगुना है, तो हमें बिल्कुल ही ठंडा नहीं करना है। अब इसमें थोड़ी सी पानी की छींट डाल के हम आटा की तरह लगा लेंगे, जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं। यहाँ पे आटा मैं लगा ली हूँ रोटी की तरह, तो आटा लगाने में एक गिलास पानी लगी, तो आप लोग अपने हिसाब से लगा लीजिएगा इसको। अब हम चकली बनाने वाला साँचा ले लेंगे, इसमें डाल देना है, और इसमें हम ब्रश में तेल लगा करके चारों तरफ इसमें लगा देंगे अच्छे से। लगा दी हूँ, अब इसको हम रख देंगे, और हम आटा लेके लंबा लंबा इसको करके इसमें डाल देंगे, भर देंगे अच्छे से। ढक्कन बंद कर देना है। देखिए मैं इस पर बना लूँगी चकली, बहुत ही आराम से ये बन जाती है। अब इसका हम लास्ट पोर्शन इस पर हल्का सा दबा देंगे, और पहले वाला भी हल्का सा हम इस पर लगा देंगे, और एक एक करके हम इस पर बनाते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। ये चकली वाली मशीन से मैं ऐसे बना ली हूँ, अगर आप लोगों के पास चकली बनाने वाला मशीन नहीं हो तो इसे हाथ से लंबा सा बना लेना है, पतला सा बिल्कुल। तो ऐसे पतला सा बना लेना है, और इसको हम फोल्ड कर देंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, आराम से ये फोल्ड हो जाएगी। तो आप लोग ऐसे बना लीजिएगा बिना साँचा के। तो ये मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ दोनों बना करके, जो आसान लगे वो बना लीजिएगा। मीडियम गर्म है, इसमें हम आराम से रख देंगे, देखिए आराम से ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। फिर से दूसरी मैं बना दी हूँ, तो इसमें हम डाल देंगे। ऊपर तैरने लगी है अपने आप, तो अब इसको हम पलट देंगे, और दोनों तरफ से हम पलट करके अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम इसको तल लेंगे। देखिए सबसे पहले जो हम डाले थे इसमें कम बबल्स आ रही है, और इसमें ज़्यादा आ रही है, तभी ये नहीं पकी है, और ये पक चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही बारी बारी से हमें बना करके सारी चकली तैयार कर लेना है, डाल देंगे। ज़्यादा हाई तेल गरम नहीं करना है, तो ऊपर से लाल हो जाएगी, अंदर से कच्चा ही रह जाएगी, इसलिए हमें मीडियम आंच पे तलना है। तो इसे भी हम ऐसे ही डाल देंगे। तुरंत इसको नहीं चलाना है, ये अपने आप ऊपर जब तैरने लगेगी, जब इसको हम पलटेंगे।
देखिए दोनों तरफ से मैं पलट पलट कर तल ली हूँ। हम इसको निकाल लेंगे, तो ऐसे ही बना लेना है साड़ी चकली। देखिए साड़ी चकली मैं बना करके तल ली हूँ, तो ऐसे ही सारा बना लेना है। ये भी देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी बना है, देखिए कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा।